हेलो स्टूडेंट, मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिया होगा। मैथ्स में आप आंसर चेक कर लो। अब आती है बात जीएटी की, तो जीएटी में मैडम जीएस के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगी और क्वेश्चंस के नंबर बताते चलेंगी। आप लोग जब इस पेपर का सॉल्यूशन देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पेपर का लिंक मिलेगा। तो जैसे सपोज मैडम ने बोला 59 नंबर क्वेश्चन है, तो आप 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए 60, तो 60, 61, 67। और पहले मैडम आपको जीएस का देंगे, इसी तरह हम आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी सारे सेक्शन का जीएटी का भी आंसर देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आंसर एक्यूरेट हो। नो डाउट कि जीएटी के पेपर में जीएस का लेवल थोड़ा हाई था, बाकी मैडम आपको पूरा बताएंगे कि किस ढंग से पॉलिटी या हिस्ट्री या ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इनको एक्सप्लेन करें और स्टूडेंट क्या क्या मिस्टेक कर सकते थे या हुई होंगी वो भी आप। हेलो एस्पायरेंट्स, जैसे कि अभी 21 अप्रैल को आप लोगों ने एनडीए का पेपर सॉल्व किया, अब इस पेपर के जीएस पोर्शन को हम यहाँ सॉल्यूशन के फॉर्म में ला रहे हैं। पेपर का लेबल जो था उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं और इसके बाद किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर नंबर है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें मेनली फोकस हमारा रहेगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच पाए। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए कि पेपर का लेबल कैसा था। तो यदि आप गैट की बात कर रहे हैं और गैट में हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी, जनरल स्टडीज पे। ओके, जनरल स्टडीज में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार भी अच्छे खासे हिस्ट्री से आए हैं। देन जियोग्राफी के भी प्रोपोर्शन जो रहा है ठीक ठाक ही रहा है। देन पॉलिटी से क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं थे इस बार, और फिर उसके बाद आपके करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनमें जब देखा जाए तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ, जो कि हिस्ट्री का लेवल काफ़ी टफ था। क्लियर, यानी कि जो हिस्ट्री का पेपर था उस हिस्ट्री के पेपर में आप यदि वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 1858 की चीज़ें पूछी गई हैं, 1808 की चीज़ें पूछी गई हैं। बुक भी बहुत कॉमन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन जैसे कि CDS का पेपर भी इस साल का काफ़ी टफ लेवल का माना जा रहा था। तो यदि आप जीएटी की बात करेंगे तो हिस्ट्री का पेपर जो था उसमें जो टफनेस थी पेपर का वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्योंकि बेसिक चीज़ें तो आपको हमेशा प्रिपेयर करके रखनी ही है। जो क्वेश्चन टफ होते हैं या पेपर कठिन होता है वो एक के लिए नहीं होता, सभी के लिए होता है, और यदि पेपर सरल होता है, ईजी होता है, तो भी सभी के लिए होता है। तो हिस्ट्री वाले पोर्शन की बात करूं तो यदि आपके लिए वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन टफ थे लेकिन आपने इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आपको ये खुश होना चाहिए कि आपने वो क्वेश्चन नहीं छोड़े जो कि आपको बाकी लोग भी कर पा रहे थे। ठीक है, तो हमें जो लीड मिलती है, जो सक्सेस मिलती है, जो हमारा सिलेक्शन होता है, वो इस बेसिस पे होता है कि हम इजी क्वेश्चन को कर पाएँ, फिर यदि टफ क्वेश्चन हैं तो उन पर अपनी पकड़ बना पाएँ। तो चलिए, हिस्ट्री का पेपर तो टफ था, आगे चलते हैं ज्योग्राफी के पेपर पे। तो जो ज्योग्राफी का पेपर था इसे मैं टफ टू मॉडरेट के बीच में रखना चाहूँगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे जो थे वो ऐसे ज्योग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते थे, बहुत ट्रिकी भी नहीं थे, लेकिन ज्योग्राफी का पेपर भी आप क्या कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी एज यूजुअल हमेशा कहती हूँ कि ये पेपर का क्वेश्चन कभी घुमाता नहीं है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन क्वेश्चन में ही आंसर छिपे होते हैं। पॉलिटी के पोर्शन की बात ये होती है प्लस पॉइंट, तो पॉलिटी को मैं इजी मान करके चल रही हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ना आते हैं ज़्यादा जीएटी आपके एनडीए एग्जामिनेशन में, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं यदि आपने पॉलिटी के बेसिक्स कवर किए हुए हैं तो वो क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होते, ये पॉलिटी पढ़ने का एडवांटेज है। ओके, फिर आते हैं करेंट अफेयर का, जिसे कि मैं बहुत ही इजी मान करके चलूंगी, क्योंकि इजी इसलिए क्योंकि करेंट अफेयर्स में से वही चीज़ पूछी गई थी जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी। आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, बुरहान बानी का क्वेश्चन पूछा गया, डिफेंस की बात है, पहला कश्मीरी था जिसे कि वीरता पुरस्कार मिला, तो ऑब्वियस है ये क्वेश्चन आना बनता है। ठीक है, एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया, लेकिन हाँ एक्सरसाइज आप लोगों ने इम्बैक्स अब उसमें सारे अल्फाबेट एम से रख दिए तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए, सामने वाला आपकी मेमोराइज जो कैपेसिटी है उससे शायद जानना चाहता था, लेकिन यदि आपने एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ी थी तो वो भी सॉल्व किया जा सकता था। इस तरह से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, अभी हम आगे देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए थे,
तो वो भी ऐसे ही माना जाएगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो बहुत ही ज्यादा डेप्थ से उठाया गया हो या ना सुना हो हमने। लगभग बहुत हाईलाइटेड चीजें रही हैं और रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर है वो सेट है आपका डी, ठीक है, एनडीए का सेट डी है मेरे पास, जिसमें जो क्वेश्चन है वो यदि आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, ठीक है। 56, अब आप इसमें यूपीएससी की पकड़ देखिए। आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, फिर आपकी मेहनत और उसके बाद कौन सा आपका लक फैक्टर साथ दे रहा है। 56 में पूछा गया ब्लैक होल, ओके, और जब ब्लैक होल की बात कर रहे हैं तो ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लगभग एक हफ्ते पहले की ही बात होगी कि ब्लैक होल का जो इमेज था, ठीक है, वो हमको सामने आया और यूपीएससी ने करंट से लिंक करके इसे फिजिक्स के क्वेश्चन में ढाल दिया, ओके। एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल की बात कर ली इन्होंने ब्लैक होल में, और जिस दिन से ये चर्चा में आया है मुझे लग रहा था कि ये अगले एनडीए का पक्का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उन्होंने इसी एनडीए में पूछ लिया। तो इन्होंने ज्योग्राफिकल क्वेश्चन नहीं पूछा था ब्लैक होल का, ब्लैक होल में इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो कहा था ब्लैक होल इज अ, आपको पता ही आप लोग फिजिक्स पढ़ते रहते हैं, टेंथ तक ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ब्लैक होल जो कि एक अनसुलझी हुई कहानी है, और इसे यदि इसी साल की करेंट अफेयर से लिंक किया जाए तो स्टीफन हॉकिंस भी खत्म हुए थे शायद अगस्त के महीने में, ब्लैक होल से उन्होंने भी काफी ज्यादा डिस्कवरीज की थी, तो ये भी माना जा सकता है कि इस वजह से भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ब्लैक होल यानी एक ऐसी संरचना, इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पास हमारे ब्रह्मांड में है कि पास से कोई भी चीज गुजरे तो वो अपनी तरफ उसको खींच लेती है, वो उस चीज में वो रिटर्न नहीं आ पाती वहां जाने के बाद। इसका ब्लैक होल का पेपर सेट डी के अकॉर्डिंग राइट आंसर है सी, स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ एंड हैज लार्ज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस, ओके। चलिए, क्योंकि ये थोड़ा जीएस करेंट अफेयर से फिजिक्स पूछा इसलिए मैंने जीएटी के 56 नंबर से स्टार्ट किया है। आगे जब क्वेश्चन पे आएंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 59, क्वेश्चन नंबर 59 में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था लीगो। अभी लीगो आपको पता है जब आप लोग सितंबर वाले बैच जो होते हैं जिनका सितंबर में पेपर था उनको काफी अच्छे से ये पढ़ाया गया था, क्योंकि उस समय करेंट अफेयर में किस वजह से था लीगो था, क्योंकि नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, सॉरी नोबेल प्राइज जो होता है वर्ल्ड का प्रेस्टीजियस अवार्ड फिजिक्स के लिए दिया गया, और फिजिक्स में किसके, लीगो ऑब्जर्वेटरी के इन्वेंशन के लिए ये प्राइज मिला था। तो इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा, क्वेश्चन था 59, लीगो स्टैंड्स फॉर, लीगो को फुल फॉर्म पूछ लिया। अब यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, क्या पूछा हुआ है, लीगो का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। यहाँ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन फुल फॉर्म में पूछे जाते हैं, जैसे बी ऑप्शन में पूछ लिया लाइट, ओके, लेकिन यहाँ पे लाइट ना हो करके सही ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि ये क्वेश्चन किस वजह से पूछा गया, क्योंकि इसमें नोबेल प्राइज मिला था, लोग पढ़ना भी छोड़ दिए थे कि यार पिछली बार तो नहीं पूछा, लेकिन ये जब हर साल नोबेल प्राइज मिल रहा है तो आपको ऐसी चीजें, जिस साल ये अवार्ड्स मिल रहे हैं तो आपको मतलब ये 6 महीने पुराना करेंट अफेयर भी आपसे पूछा गया है, ओके। देन 59 का आंसर ए के बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमेशा कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया कीजिए। किसके लिए, काम राजपोर्ट के बारे में पूछा गया है, ओके। क्वेश्चन क्या है आपका 59 ये क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि कामाराजार पोर्ट वॉज कमीशन्ड इन 2001 टू हैंडल थर्मल कोल रिक्वायरमेंट, इट इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। आपको पोर्ट तो पढ़नी ही है, पहले ही बात की थी कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जिसमें आपको वाटर, एयर विंग और रेलवेज पता होने चाहिए। तो ये जो कामराज है ये पोर्ट है आपका तमिलनाडु यानी चेन्नई में, पहले इसे चेन्नई पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है ये पोर्ट, तमिलनाडु में 3 पोर्ट के नाम, तो उसी क्वेश्चन को इन्होंने फिर से अलग फॉर्म में पूछ लिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
कामराज पोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। क्लियर? अब तक आप समझ चुके होंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर और करंट अफेयर से लिंक करके चीज़ों को पढ़ना है, तभी यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, 62 नंबर, ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहलाएगा। जैसे ये पोर्ट भी क्या था, ये पोर्ट भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन था जो कि ईजी में कन्वर्ट किया जाएगा। देन इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूटी, और यूटी में भी क्या पूछ रहे हैं, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, एरिया वाइज सबसे कम जिसका क्षेत्रफल है, तो इसका है लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप लास्ट ईयर भी शायद लक्षद्वीप से रिलेटेड या इसी साल के सीडीएस का क्वेश्चन था। हाल ही में एक आठ साल के अंदर यूपीएससी के किसी पेपर में लक्षद्वीप में पूछा गया था हायर लिटरेसी रेट। ओके, और इस बार भी लक्षद्वीप से पूछा गया कि यहाँ पर क्या सी टेरिटरी, यूटी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल के अनुसार वो भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा संघ शासित प्रदेश है, तो इसका आंसर है 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर डी यानी कि लक्षद्वीप। क्लियर? कितना, 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। हो सकता है फिर कभी पूछा लग जाए कि इसका कितना एरिया है, 32 किलोमीटर स्क्वायर, मेरी मैथ थोड़ी सी नहीं बहुत घटिया है, तो किलोमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली रिलेटेड टू पोलर फ्रंट थ्योरी। ओके, इसमें पोलर फ्रंट थ्योरी से रिलेटेड किस तरह के साइक्लोन जो होते हैं वो इससे रिलेट होते हैं, क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेट साइक्लोन। ओके, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ लोग एंटी साइक्लोन भी कह रहे हैं, पर मैं जो मेरा एनालिसिस है, मोस्ट अप्रोप्रिएट 63 का आंसर सी, टेम्परेट साइक्लोन कह रहा है। ओके, तो अभी भी दो तीन क्वेश्चन ऐसे होंगे आगे आने वाले कि शायद बहुत ही टफ थे और मैं उसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर यदि नहीं निकाल पाई तो उसको मैं बता दूंगी, उसको हम बाद में भी आपसे डिस्कशन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है 64। क्लियर? अब फिर से देखिए, ब्रह्मपुत्र के पीछे पड़ी हुई है यूपीएससी, इंडस वैली भी इस साल बहुत ज़्यादा, जो इंडस आपका था यानी सिंधु नदी तंत्र, वो भी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में था। अब इन्होंने दोनों को मिला करके एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछ लिया। ट्रेडिशनल क्या पूछा है, इन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर आर एंटीसीडेंट रिवर यानी पूर्ववर्ती नदियां हैं। अब जिनको पूर्ववर्ती नदियों का मतलब पता है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही सरल होगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द ट्रू डेफिनेशन ऑफ द एंटीसीडेंट ड्रेनेज, पूर्ववर्ती जो ये ड्रेनेज है, ओके, यानी कि जो निकास अपवाह है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। कहने का मतलब यह है कि हिमालय जो बना था ना, जब आप भारत की संरचना देखते हैं तो प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय नदियां, तो जो नदियां हिमालय के बनने से पहले से बह रही थी जैसे कि ब्रह्मपुत्र और ये आपकी सिंधु नदी, तो ये जब हिमालय बना तो उसको काट करके निकली, ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाते हैं यानी एंटीसीडेंट रिवर्स कहा जाता है। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सुनिएगा। द करांची रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस इन 1931 एडवोकेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। करांची रेजोल्यूशन की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 65 की बात हो रही है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, करांची अधिवेशन 1931। पेपर बनाने वाले का क्या किया जाए, है ना, मतलब ठीक है इंडियन रेजोल्यूशन है, इतने जाने कितने रेजोल्यूशन आए होंगे, काफी डीप का क्वेश्चन था। ओके, यदि नहीं बना है तो घबराने की जरूरत नहीं है, नेहरू रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिन्ना रिपोर्ट पढ़ते हैं, गांधीयन 11 फॉर्मूलास पढ़ते हैं, इतना पढ़ने के बाद भी उन्होंने क्या पूछा है, करांची रेजोल्यूशन 1931 जो कि फंडामेंटल राइट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जनरल हम ये अप्रोच रखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन की मेन स्पेसिफिसिटी पता है क्या थी, 65 नंबर को ध्यान से देखते ना तो ये वो वाला क्वेश्चन था कि दो क्वेश्चन में से एक यदि आप अजम्पशन कर जाएं तो 50% चांसेस इस क्वेश्चन के सही होने के होते हैं, और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको यूपीएससी पूछा करता है, तो ध्यान दीजिएगा 65 नंबर क्वेश्चन में। इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, केवल दो की बात कर रही हूँ मैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, स्टेट शैल नॉट ओन और कंट्रोल की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज,
राज्य जो होते हैं मुख्य उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व तो या उन पर नियंत्रण नहीं रखेगा, ऐसा कराची में कहा गया। और ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, स्टेट शैल ओन और कंट्रोल की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। जो राज्य होगा यानी जो सरकारी होंगी वो प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व तो या उन पर नियंत्रण रखेंगी। अब इन दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना, या तो नहीं हटाएंगे या फिर हाँ रखेंगे। तो ये कैसे क्वेश्चंस हो जाएंगे? ये क्वेश्चंस हो जाएंगे ट्रिकी टाइप के, जिनमें 50-50 का चांस लिया जा सकता है। तो 65 का राइट आंसर है डी ऑप्शन। कराची कांग्रेस रेजोल्यूशन 1931 में कहा गया था कि स्टेट शैल ऑन और कंट्रोल की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। ओके, देन आगे बढ़ते हैं 66 नंबर। ठीक है, पेपर बनाने वाले से है ना, काश वो वीडियो भी देख रहा हो और समझ पाए कि ऐसे क्वेश्चन कहां से ढूंढ करके लाए वो। 66, द ट्रीटी ऑफ द स्कोनब्रम 1809, 200 साल पहले की कहानी पूछी है उसने। ठीक है, वॉज साइंड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल। क्या सोच करके पूछा, ना 100 साल हुए थे, ना वर्ल्ड वॉर था, ना कुछ था, है ना। हम क्या पढ़ने जाएंगे, बैटल ऑफ द वैग्रम पढ़ने के लिए जाएंगे, या जर्मनी का इतिहास पढ़ेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया के शहरों में घूमेंगे। यदि पेपर बनाना है और 12th बेस के बालों के लिए भी बनाना है तो कम से कम ऐसे क्वेश्चंस तो पूछो जिससे हमारे देश का IQ बने, या फिर UPSC के पास क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पर ये 66 नंबर महाबकवास क्वेश्चन छोड़ना ज्यादा सही था। द ट्रीटी ऑफ द स्कोनब्रम 1809, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ द बैकग्राम। ओके, वियना ट्रीटी हुई थी। हाँ, ये ट्रीटी फेमस है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, बैटल ऑफ बैकग्राम। लेकिन इन्होंने नाम को थोड़ा सा और डीप में पूछ लिया उसका इनडायरेक्ट रिलेशन करके। तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देन 66 नंबर, 67 नंबर क्वेश्चन है ना, चिंता नहीं करनी है। जब दो चार क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंस में आ जाए, सामने वाला आपका लेवल भी चेक करना चाहते हैं कि आप इसके बाद हार मान लेते हो बाकी क्वेश्चंस के लिए, या युद्ध में तो डटे ही रहना है ना लास्ट तक जीतने तक। तो 67 नंबर, अब मैं ये समझूं कि वो आपका स्टैमिना चेक करना चाहता था या फ्रस्ट्रेटेड इंसान था, है ना, तो नहीं निकला होगा एग्जाम। तो कभी कभी बेचारे लोग सोचते हैं मेरा नहीं निकला, चल तेरे में दम है तो निकाल के बता। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यू मॉडल यूनियन इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन UK का है ना, यूनाइटेड किंगडम का। इसमें क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, द न्यू मॉडल यूनियन वर फॉर्म्ड इन द 1850s, 1850 का। आप इंग्लैंड का इतिहास पढ़िए, है ना, और पूरी इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री भूल जाइए। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको छोड़ दीजिए, आपसे नहीं बना है, दूसरों से भी नहीं बना है, टेंशन नहीं लेना है। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा 67 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, केवल एक सही है। चलिए फिर कंटिन्यूएशन में वर्ल्ड हिस्ट्री, लिटरली टफ लेवल का क्वेश्चन पेपर था। इसमें है क्वेश्चन नंबर 68, ओके 68 को ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा है, द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ऑफ 1947 वाज अनाउंस्ड टू अचीव विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, कंटेनमेंट ऑफ द USSR, सोवियत संघ का यहाँ पर परिरोधन। हिंदी भी देखिए, मतलब UPSC इंग्लिश में तो ठीक ठाक क्वेश्चंस देते हैं, लेकिन जो इंग्लिश होती है उसकी ट्रांसलेशन तो ऐसी होती है कि सामने वाला दो बार पानी पियो, चार बार चक्कर खाए। तो यहाँ पे क्या है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ऑफ द 1947, ऑप्शन नंबर ए, कंटेनमेंट ऑफ द USSR। ओके, नेक्स्ट 69 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, कोई किताब मिल गई होगी बंदे को, उसी से छाप दिया। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन मैं इसमें बहुत अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे पाऊंगी, पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। इन 1948 बर्मा वॉज एडमिटेड टू द यूनाइटेड नेशन एंड इमीडिएटली सपोर्टेड द USA इन द कोल्ड वॉर। ठीक है, हुआ क्या है कि जब बर्मा, ये ब्रिटिशर्स आए हैं और कॉलोनीज बनाने शुरू की है, भारत भी उनकी कॉलोनीज में था, बर्मा यानी कि म्यांमार भी था। तो म्यांमार जब आजाद होता है तो 1948 के अप्रोक्स उसने UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ले ली थी। ओके, और उसी समय पे शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर तैयार हो गया था। कोल्ड वॉर में दो कंट्रीज थी, एक USA पावरफुल था, एक USSR था। तो इसमें इसने क्या किया था, क्वेश्चन कह रहा है कि इसने सपोर्ट किया था इमिडिएटली USA को, तो हाँ बिल्कुल, बर्मा जो होता है म्यांमार, जिसमें कम्युनिज्म का ज्यादा इफेक्ट होता है, और जो कम्युनिज्म बढ़ रहा होता है यानी सोवियत संघ से, इसमें दो तीन क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं, अभी एक कॉल लेनिन का क्वेश्चन आएगा। तो
तो कम्युनिज्म बहुत ज्यादा प्रोपेगेट हुआ है उस समय पे, साम्यवाद कहां, रशिया में, यूएसएसआर, और फिर इसके बाद इसने विभिन्न देशों में साम्यवादी गतिविधियों को बढ़ाना शुरू किया। अमेरिका पूंजीपति था, कैपिटलिस्ट था, डरा हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो कम्युनिज्म को कहीं ना कहीं बाउंड करना चाहता था। तो बर्मा जो कि यूएसएसआर से लगा हुआ कंट्री है, उससे कहीं ना कहीं नियर बाय ज्यादा क्लोज भौगोलिक संरचना के अकॉर्डिंग आता है, तो वो चाहता था कि बर्मा जो रहे वो उसके नियंत्रण में आए, यानी अमेरिका का सपोर्ट करे, ओके, और कम्युनिज्म बढ़ने से रुके। तो फाइनली क्या होता है कि ए ऑप्शन जो है इसका सही है, 69-1 का। फिर इसके बाद 69 का सेकेंड ऑप्शन कह रहा है, इन 1948 बर्मा ज्वाइंड द यूएन बट रिफ्यूज टू डिनाउंस चाइना एज द एग्रेसर इन द कोरियन वॉर। ओके, चाइना को इसने आगे चल करके क्या अपोज करने की कोशिश की थी, तो मुझे जहां तक याद है बर्मा ने न्यूट्रल वे अपना लिया था, लेकिन उसने चाइना के खिलाफ क्या गतिविधियां अपनाई थी, इसलिए मैं इसका यदि आसपास का आंसर मान के चलूं अप्रोक्सीमेट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन कभी ना कभी हम इसे डिस्कशन करेंगे, ओके, 69 के लिए। चलिए आगे आते हैं, ये क्वेश्चन भी बुक पूछी है इन्होंने, नहीं सॉरी, ये है द अप्रैल थीसिस टू द रशियन पीपल इन 1917। ये जो प्रेजेंट ये थीसिस किसने प्रेजेंट की थी, द अप्रैल थीसिस, क्वेश्चन नंबर 7070 है। इसका राइट आंसर है लेनिन। आपको पता है वही कम्युनिज्म रशिया में रहता है, कार्ल मार्क्स ने कभी उसमें थ्योरी दी रहती है, और लेनिन 1917 में बोल्शेविक, आपको रेवोल्यूशन याद होगा, इसमें क्रांति करवाते हैं, ठीक है। तो द अप्रैल थीसिस जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेनिन। चलिए अब आगे आपके यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करवाए जाएंगे, हम जीएस के क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अभी जो ये 3-4 क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि घबराना नहीं है, क्वेश्चंस जीएस में कभी भी 100% कोई अटेम्प्ट नहीं करता, ये जानबूझ के क्वेश्चंस इस तरह के डाले जाते हैं, ठीक है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, और ये भी ध्यान रखना कि हमारे लिए यदि वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी टफ पूछी जा रही है तो दूसरों के लिए भी होगी। चलिए 79 ये फिजिक्स है, 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 80। इसमें जीएटी का क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अब जनरली हम जानते हैं कि जब न्यूक्लियर पावर की बात आती है, नाभिकीय ऊर्जा की बात आती है, तो हम यूरेनियम यूज करते हैं, थोरियम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ रहा है केमिस्ट्री का, जिनको केमिस्ट्री के बाकी ये आइसोटोप्स और बाकी चीजें पता है वो ज्यादा इजिली इस क्वेश्चन को कर पाती, तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिच ब्लेंडिंग। ये क्या होता है, यूरेनियम मिनरल का ही सब कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82, इजी क्वेश्चन, अगेन आप इसे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का क्वेश्चन कह सकते हैं। 82 क्वेश्चन जो कह रहा है थोड़ा ट्रिकी है, यानी आप लोगों ने 10th तक पढ़ रखा है, थोड़ा सोचना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में रुक करके, इजी लगते हैं और लोग गलत कर बैठते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लीन फ्यूल, क्लीन फ्यूल यानी स्वच्छ ऊर्जा। हम सब जानते हैं पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये किस वजह से हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं, यानी जीवाश्म ईंधन का हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस से रिप्लेस कर रहे हैं। और आपको जब इसके ऑप्शंस देखेंगे कि कौन सा अच्छा एग्जांपल है, तो इसमें से आपका सही ऑप्शन है बी, प्रोपेन। हम सब घर में एलपीजी गैस यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उज्ज्वला योजना आई थी, है ना, मोदी जी की सबसे सफल योजनाओं में से एक है। तो उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इन्होंने आपका आईक्यू लेवल उस करंट अफेयर्स से और ट्रेडिशनल साइंस से जज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा कि स्वच्छ ऊर्जा का क्या रूप है। तो जब आप एलपीजी पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये होती है, और यहाँ पे पेट्रोलियम में ये जो उसका कंपोनेंट होता है, ये जो प्रोपेन है, ठीक है, ये जब हम एक्ट पढ़ते हैं क्लीन एयर एक्ट, ये एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लीन एयर एक्ट, ये एक्ट आया था 1990 में, ठीक है, कब, 1990 में। इसमें जो प्रोपेन है इसको क्लीन एनर्जी का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82 का बी ऑप्शन, प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ओके,
फिजिक्स के क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 95, ओके डी ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 95, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, यानी ज्योग्राफी हम मॉडरेट लेवल पे मान सकते हैं, टफ क्वेश्चन अभी तक हमें मिले नहीं। इसमें पूछ रहे हैं कोल रिजर्व, ओके कोल रिजर्व यानी कोई कोयला जो कि हमारी आज भी इलेक्ट्रिसिटी जो एफिशिएंसी है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्टिविटी है, उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज हम किससे जनरेट करते हैं, कोयले से, ओके कोल से। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो कोल रिजर्व है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको देखना था, यानी सबसे ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम। तो 95 का राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज्यादा कोल रिजर्व कहाँ है, झारखंड में, उसके बाद ओडिशा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में और उसके बाद वेस्ट बंगाल में। तो जब भी पेट्रोल, नेचुरल रिसोर्सेज, कोल, इस तरह की बातें हैं, तो आपको ये रिसोर्सेस में, जियोग्राफिकल रिसोर्सेस में पढ़ के रखना है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। ओके आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन था, यदि फैक्ट आपको याद है तो आप कर पाओगे, ये एनालिटिकल था नहीं। इसमें रिक्टर स्केल की बात पूछी थी, आप सबको पता है भूकंप यानी अर्थक्वेक जब आते हैं उसको मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है रिक्टर स्केल है। इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इट वॉज डिवाइज्ड इन 1935 बाय चार्ल्स एफ रिक्टर, सही है, उन्होंने खोजा था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय अ सिंगल अर्थक्वेक, सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रिक्टर स्केल हैज नो अपर लिमिट, तो ये भी सही है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। तो 96 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको अभी भी मैंने जब वीडियो बनाया था तो यही कहा था कि पिछले साल विंड पूछी गई है, तो इस साल ज्यादा चांसेस हैं कि करंट नहीं पूछा गया है तो करंट पूछा जाए। ओके तो ये क्वेश्चन था लेकिन इसमें नॉट पूछा हुआ था, और लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, अरे ये वाला तो आता है मुझे, चेक कर दिया, गलती हो गई। जबकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें होती है, तो जब नॉट पूछा है कि कोल्ड ओशन करंट कौन सी नहीं है, तो सी ऑप्शन यानी कि जो कुरोशियो है, ये कुरोशियो वार्म करंट होती है। इसके अलावा ये जो कैनारी, कैलिफोर्निया, वाशियो है, ये तीनों कैसी है, ये तीनों कोल्ड करंट है। क्लियर, तो ये भी कैसा था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 98 भी क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, और ये जब आप यूनिवर्स पढ़ते हैं, यूनिवर्स का पार्ट होता है जनरली, यूनिवर्स में ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टू सक्सेसिव टाइड, ये हमारी अर्थ होती है, ठीक है। अर्थ जब रोटेशन करती है आपको पता है कि इसका मून जो है वो नियरेस्ट है एज कम्पेयर टू सन, सन और मून दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो जब धरती का जो हिस्सा इस चंद्रमा के साइड पर होता है वहां पे लंबी लंबी लहरें उठती हैं जिन्हें टाइड्स कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा था कि दो लगातार जब ज्वार आते हैं तो इसमें कितनी टाइम का डिफरेंस होता है, मैक्सिमम किताबों में 12 आवर्स लिखा होता है, 12 घंटे, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर है बी, 12 hours 26 minutes, ओके क्योंकि अर्थ और जो मून है उसका एंगल भी एक दूसरे के रिलेटिव इक्वल ही है, इस वजह से यहाँ जो डिफरेंस आता है वो 12 घंटे 26 मिनट का आता है। तो 98 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे फिजिक्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 एयर मास से रिलेटेड है, सॉरी इसे मैं बाद में डिस्कशन करूंगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का 102 क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नेशनल वाटर एकेडमी कहाँ पर है, तो इसका रटना वाला आंसर है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो छोड़ दे रहा है, पुणे, ओके सी ऑप्शन पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 एनडीए का तो फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल इसमें ग्रास लैंड पूछे जाते हैं, ओके मेन इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा हुआ है। कैंपोस और लानोस ये जो ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड है ये कहाँ पाई जाएंगी, हिंट भी दिया हुआ है सवाना ग्रासलैंड, सवाना है मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ठंडा रीजन नहीं होगा, ओके सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ईस्ट एशिया, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन साउथ अमेरिका,
साउथ अमेरिका में जो कैलिफोर्निया वाला रीजन है, ठीक है, वहाँ पर अर्जेंटीना, कैलिफोर्निया, चिली, इन रीजन्स में इन ग्रासलैंड्स के नाम डिवाइड किए गए हैं। तो कैलिफोर्निया वाला जो रीजन है कैंपोस, कैंपोस और लानोस कहाँ आएंगे, साउथ अमेरिका में आएंगे। ओके, फिर एक क्वेश्चन आपका है 104, ये वर्ल्ड जियोग्राफी का टफ क्वेश्चन माना जाएगा। इन्होंने विटीकल्चर पूछा है। विटीकल्चर क्या होते हैं जनरली? विटीकल्चर का मतलब अंगूरों का उत्पादन करना, और अंगूर क्यों? क्योंकि उनसे बनाई जाती है शराब, वाइन। ओके, तो जो विटीकल्चर है इसमें ऑस्ट्रेलियन सिटीज, ऑस्ट्रेलिया के शहरों के नाम पूछा हुआ है। यदि आप घूमने फिरने गए हैं या बहुत पढ़ करके रखा है, महाज्ञानी है, तो आप कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ऑस्ट्रेलिया की सिटीज हैं, कौन सा विटीकल्चर के लिए फेमस है, आप छोड़ सकते हैं। इसका आंसर भी मोस्ट प्रोबेबली ब्रिस्बेन होना चाहिए, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। 104, ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है 101, दूसरा क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कशन करूंगी 104। ओके, देन 105, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा लोकल विंड का, लेकिन कॉमन नेम नहीं पूछे। इन्होंने बिल्कुल आगे जा करके कैसा क्वेश्चन पूछा, शामल वार्म एंड ड्राई विंड। यूपीएससी की खासियत है कि अपने क्वेश्चन पेपर के साथ वो हिंट भी देता है मैक्सिमम में। तो गर्म और सूखी हवा की बात कर रहा है, तो ये लोकल विंड कहाँ पाई जाएगी? ओके, नंबर वन ईस्ट एशिया। आपको ज्योग्राफी में छोटी छोटी चीजें पता होती हैं कि जो वेस्टर्न साइड होता है वो सूखा होता है, ईस्टर्न साइड जो होता है वो हरा भरा होता है, ग्रीनरीज होती हैं। तो यदि ये भी ट्रिक अप्लाई करते तो एलिमिनेशन मेथड से पहला वाला कट हो जाता। ओके, फिर उसके बाद वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, सहारा ऑफ अफ्रीका एंड मेसोपोटामिया, क्योंकि लोकल विंड है, ठीक है, और लोकल विंड है तो इसमें कोई हम अपना ज्ञान नहीं आरोपित कर सकते। जहाँ जो हवाएं बहती हैं उनका नाम जो लोकल विंड्स का रखा गया है वो हमको पता होना चाहिए। 105 फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया यानी कि ड्राई विंड रीजन, तो इसका रोम साइड का ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सॉरी सेंट्रल एशिया वाला रीजन मेसोपोटामिया, इराक के आसपास, ठीक है। 105 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106, इन्वर्जन ऑफ द रेनफॉल। इसका ऑप्शन मोस्ट अप्रोक्सिमेटली इसका होना चाहिए बी, कन्वेक्शनल रेनफॉल। नेक्स्ट 107, ये क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक रिटन बाय, ठीक है। अब जब ऐसी बुक पूछा जा रहा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 107, इसका आंसर है सी, जेम्स मिल। इन्होंने 1817 में लिखी थी, यानी ये भी क्वेश्चन 200 साल पहले। एक ही किताब मिली थी बंदे को, उसी से क्वेश्चन उठा उठा के टिप दिया जो जो मिले फैक्ट, जस्ट जोकिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जेम्स मिल, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में, 200 साल पहले, सी ऑप्शन, जेम्स मिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 108, आजमगढ़ प्रोक्लेमिनेशन। ओके, ये आजमगढ़ जो उद्घोषणा है इसका आंसर भी मैं बाद में डिस्कशन करूंगी, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका डी ऑप्शन मुझे लग रहा है, द इम्पोजिशन ऑफ द हेवी जुमास। ओके, रेवेन्यू डिमांड की जो बात की गई थी, ठीक है। 109 में आते हैं, 109 में क्वेश्चन है विच वॉइस राय हैड मेड द ऑब्जर्वेशन इट इज अ ब्यूटिफुल वर्ड इफ इट वॉज नॉट फॉर गांधी। गांधी जी का जो भी दुश्मन रहा हो, मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें से 109 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, लॉर्ड विलिंगटन। इन्होंने 1933 में एक जनरल लिखा था और वो जनरल पब्लिश हुआ था, और उसमें उन्होंने गांधी जी के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था। तो एक चीज और याद रखनी है, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, जब ये स्टेटमेंट की बात आती है ना, बहुत फेमस कोटेशन और याद है तो अटेम्प्ट करना है, वरना छोड़ देना है, क्योंकि स्टेटमेंट के बारे में हम हर किसी के स्टेटमेंट को मेमोराइज करके नहीं चल पाते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन है डी, लॉर्ड विलिंगटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 110, 110 में पूछ रहे हैं हेल्दी कैपिटलिज्म इन हेल्पिंग गांधी जी टू वर्क टुवर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्ट। सॉरी, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट 111, इन मेमोरियम वॉज द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पेंटर। रेनेसा वाला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ओके, तो जनरली लियोनार्डो द विंची रटते रहते हैं लोग, ये 1858 में बनी थी पेंटिंग। इसके आंसर है 111 का बी ऑप्शन,
जोसेफ नोएल पैटर्न, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री का। इन मेमोरियम किसने बनाई थी? बी ऑप्शन, जोसेफ नोएल पैटर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है पॉलिटी का क्वेश्चन। और जब पॉलिटी आती है तो इजी क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि घुमाते हैं नहीं, रटा है, बन रहा है तो ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है 117, एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। इस साल चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, इलेक्शन कमीशन से एक क्वेश्चन आना तो पक्का था, ठीक है। तो इन्होंने लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अपॉइंटमेंट किसे दिया जाता है, ओथ कौन दिलाते हैं, तो लोग रट के रखते हैं, इसे बताओ भैया। इसका राइट ऑप्शन है 117 का बी, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन लोगों ने गलती से इसे प्रेसिडेंट भी किया। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, वो पूछ रहे हैं कि रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन, सिफारिश पूछी जा रही है कि सिफारिश कौन करेगा, हटाने की बात तो बाद की बात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और अच्छा खासा इजी क्वेश्चन, जिसको मैक्सिमम लोगों ने गलत किया। इसे गलत करना पाप है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसे सही करके आएंगे। सबको रटा हुआ होता है, राज्यसभा ऐसी ही हाउस है जो कभी खत्म ही नहीं की जा सकती। क्लास में पढ़ाते हैं 10 बार रटवाते हैं तब खत्म होगी, इमरजेंसी में खत्म होगी, राष्ट्रपति चाहेगा खत्म कर देगा। हर क्वेश्चन का आंसर होता है नहीं नहीं नहीं, ठीक है। राज्यसभा तभी खत्म होगी जब दुनिया खत्म होगी, है ना। लेकिन फिर भी लोगों ने इमोशन में आकर के कुछ सरल आंसर देख के गलत किए। 118 का 118 का राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, इट इज अ परमानेंट बॉडी बट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। पहला लाइन उन्होंने सही बोला, ताकि बच्चा केवल पहला देखे, आगे पढ़े ही नहीं, पेशेंस ही तो चेक कर रहे हैं वो डिफेंस में, अगले कॉमा के बाद पढ़े लेते, है ना। बट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट, नहीं कर सकता प्रेसिडेंट डिसॉल्व। और यहीं से ये डी जो होता है वो नॉट के अकॉर्डिंग गलत ऑप्शन हो जाता है, और नॉट पूछा था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? ओके, आगे भी प्यारा सा क्वेश्चन, इसी साल CDS में पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से राइट हैं जो कि केवल इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 19, है ना। और मैंने पढ़ाते हुए कहते भी हूँ, दो चार आर्टिकल हैं, आर्टिकल 21 और 19 को तो हमेशा रट के रखना है एक एक पॉइंट। तो 119 का राइट आंसर है आर्टिकल 19, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। जब आप बैटल्स पढ़ते हैं, बैटल्स एंड वॉर, तो शुरुआत ही इसी ट्रिटी से होती है। ये ट्रिटी है ट्रिटी ऑफ एंडाबू। ये कब हुई? 1826 में हुई थी, एंग्लो बर्मन वॉर था, ठीक है। कॉलोनीज अपने स्टैब्लिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स, जिनको एंग्लो कहा जाता है वहाँ पे, और बर्मा यानी म्यांमार। तो एंग्लो बर्मन वॉर में ये 1826 में ट्रिटी ऑफ एंडाबू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल मजाक वाला, हंसने वाला, इजी सा, लेकिन क्वेश्चन टफ है। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, इन द मनुस्मृति विच फॉर्म ऑफ मैरिज रिजल्ट्स फ्रॉम द वॉलेंट्री यूनियन ऑफ अ मैडन एंड हर लवर। ओके, यानी लिव इन रिलेशनशिप। ओके, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था सेक्शन 377 के ऊपर, लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर। बस उन्होंने वहां से क्वेश्चन नहीं उठाया, उन्होंने मनुस्मृति से उठाया। इस सेंटेंस का मतलब ही क्या है? बिना शादी किए हुए, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की साथ में रह रहे हैं, लिव इन का क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ऐसे उठा के क्वेश्चन ये वाला नहीं पटक दिया, है ना। तो 121 का जो राइट आंसर है, लेकिन इसके 8 जो प्रकार होते विवाह के, ओके, जो मनु ने लिख करके दिए थे, तो उनको जनरली केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला रटता है, फिर भी ठीक है, शायद करंट की वजह से इसे पूछ लिया। तो 121 का राइट आंसर डी ऑप्शन, सिक्स्थ फॉर्म, यानी कि जो विवाह का छठवां फॉर्म है वो लिव इन रिलेशनशिप है। ब्रैकेट में लिख देते तो शायद आप लोग टिक कर देते। ओके, नेक्स्ट 122। ये क्वेश्चन भी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। जिन जिनको पता था कि पिछले साल दो इतने महान महान लोग धरती से ऊपर चले गए, है ना, खत्म हो गए, और उनमें से एक महान व्यक्तित्व जो थे, बहुत सारे लोग थे, क्वेश्चन आने की संभावनाएं थी, और अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड तो क्वेश्चन आना ही चाहिए था, पूरे पेपर में नहीं मिला, लेकिन ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को यदि आंसर इतना कौन जाता है, हर एक जगह तो घूम करके आई नहीं ना, हर एक समाधि को देख करके रखा हुआ है, फिर भी इतना लंबा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगी। 122 क्वेश्चन है कि दिया जल रहा है, ब्लैक कलर से चारों तरफ पेंट किया हुआ है, लोटस शेप पैटर्न है ना,
और यदि इसमें से पता है कि ये ऊपर जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है सदैव अटल, ठीक है, और करंट में ही बनी होगी उनकी समाधि, तो बस ये ट्रिकी क्वेश्चन था। 122 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सदैव अटल, ठीक है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन 123, जिसमें एक्सरसाइज पूछी हुई है इम्बेक्स, तो इम्बेक्स एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई थी, ये हुई थी इंडिया और म्यांमार के बीच में, ओके, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इंडिया एंड म्यांमार, ये अच्छे खासे पढ़ते हुए लोगों से भी गलत हुए ऑप्शन, कोई बात नहीं, है ना, दिमाग की भी एक लिमिट होती है, लेकिन यदि कर लिया है तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन, अब इसमें पूछा गया है अवार्ड, अवार्ड कौन सा पूछा गया है, द हिंदू प्राइज इन फिक्शन कैटेगरी ईयर 2018, इसका ऑप्शन है ए, फैक्चुअल क्वेश्चन है करंट अफेयर का, नीलम शरण गौर, ठीक है, इनको मिला है हिंदू अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमिटी पूछी हुई है जीएसटी से रिलेटेड, और जीएसटी काफी हाईलाइट भी था, करंट अफेयर्स में था, तो 125 का राइट आंसर है यहाँ पर सुशील मोदी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फेवरेट वन, गांधी जी फिर से आ गए, लेकिन डायरेक्ट नहीं आए, इनडायरेक्ट आए, ओके, कैसे। 126 पूछ रहे हैं 15th प्रवासी भारतीय दिवस 2019, बहुत भयंकर वाला ये भी करंट अफेयर में था, बहुत सारे एग्जामिनेशन यूपीपीसीएस और इन सब में पूछा भी गया, तो ये जो एनआरआई डे जब 9 जनवरी को गांधी जी लौट के इंडिया में आए थे, है ना, उनकी वजह से मैं चाहता हूं, तो ये 126 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, बनारसी, अभी कहाँ हुआ था, अगला कहाँ होगा, हमेशा याद रखना है बनारस में हुआ था, ओके, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, ये भी करंट अफेयर का फैक्चुअल क्वेश्चन, पढ़ा हो तो बनेगा, क्वेश्चन था कि यूनेस्को एस वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020 किसे किया है, डी रियो डी जेनेरो, ओके, को घोषित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 127। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, स्पोर्ट्स से एक ही क्वेश्चन शायद दिख रहा है, ये क्वेश्चन था कि आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 किसे दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन है ए ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हॉलस्टर गन मेकिंग यूनिट इज लोकेटेड एट, इस रिवॉल्वर को कुछ मिसाइल है, इसको जो इसकी यूनिट है वो है निर्भय है क्या, हॉविस्टर, अच्छा नहीं हॉविस्टर थोड़ा मिसाइल, ये जो गन इंपोर्ट की गई इंडिया में, देखिएगा काफी फेमस भी थी, तो 129 का ऑप्शन इसका सही है सी, हजीरा, हजीरा में इसकी यूनिट लगाई गई है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 130, इस साल सीडीएस में भी पूछा गया था अलग तौर पे, अंडमान निकोबार इनका फेवरेट, लक्षद्वीप पूछ लिया इन्होंने, अब अंडमान निकोबार पूछेंगे, तो आपको इसमें से जो 130 है इसका राइट आंसर है थ्री ओनली, यानी कि केवल हैवलॉक आइलैंड स्वराज द्वीप से रिलेटेड है, ओके, और रोज जो है वो है सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम रखा गया, और नील को रखा गया शहीद द्वीप, मोदी जी गए थे नामकरण करके आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था, करंट अफेयर में बहुत भयंकर हाईलाइटेड था, ठीक है, तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थ्री ऑप्शन वाली। नेक्स्ट 131, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हाईलाइटेड, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये है अशोक चक्र मिला था 2019 का, जनवरी की बात है शायद, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है नाजिर अहमद बानी, ये इस वजह से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये पहले जम्मू कश्मीरी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है, तो 131 का ऑप्शन है बी नाजिर अहमद बानी। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका जो जीएस का है वो है नदी से रिलेटेड, ज्योग्राफी नदी, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 142 जो कि कह रहा है कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, आपको ईस्टर्न फ्लोइंग वेस्टर्न फ्लोइंग तो देख करके रखना ही है, पर इसमें एक छोटी नदी का नाम लिया, लोगों को ये नदी सुनी भी नहीं थी, लेकिन ठीक है, रिवर्स हमें अच्छे से कंप्लीट करके पढ़ना चाहिए। 142 का आंसर है डी ऑप्शन ताम्रपर्णी, ठीक है, ताम्रपर्णी जो नदी है वो क्या है, होती है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। नेक्स्ट 143, वैसे तो इजी क्वेश्चन है ये, वितास्ता किस नदी को कहा जाता है, तो ये महाजनपद काल का टाइम पीरियड था, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 143 का झेलम, बी ऑप्शन, झेलम को क्या कहा जाता था, वितास्ता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, अब इन्होंने यहाँ पे शारदा रिवर से पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हमेशा करंट में बना रहता है, हमारा ध्यान पूरा कहाँ था,
सिंधु नदी पे, इंडस पे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट था, है ना। हम इधर नेपाल को भूल गए होंगे और ये नेपाल से भी हमारी इस रिवर पे डिस्प्यूट है, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो 144 का कि रिवर शारदा जो है नॉर्दर्न प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश में जब एंटर करती है तो किस नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, काली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीम पूछी ही जाती है और स्कीम से भी ये भी इजी क्वेश्चन था। 145 मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, इसका ऑप्शन है डी, फुल इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीनेशन। अब यहाँ पे कई लोगों ने एग्रीकल्चर कर दिया, क्योंकि यह होगा, अरे वो जो है इंद्रधनुष कल्टीवेशन है, रेवोल्यूशन है। यदि हम एग्रीकल्चर से कहते हैं ना ग्रीन रेवोल्यूशन, इंद्रधनुष रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन है। ये क्या पूछा गया, मिशन इंद्रधनुष, और जो मिशन इंद्रधनुष है ये फुल इम्यूनाइजेशन से है। हाँ, दूसरी स्कीम बैंकिंग से भी रिलेटेड है, पर बैंकिंग वर नॉट इन आवर ऑप्शन, सो राइट ऑप्शन इज अ फुल इम्यूनाइजेशन। 7 डेंजरस डिजीज है, उन 7 के नाम भी पूछे जा चुके हैं, तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, ठीक है, इसमें रोटेशन ऑफ द अर्थ का क्वेश्चन आ गया। नंबर वन कहता है दिन और रात के इसकी वजह से होते, यस नंबर वन कह रहा है आपका, बापरे हिंदी देखना तो पाप है, दिवालोक तथा वायुता, दिवालोक किसी किताब में अक्षर न मिलेगा, आहिर कावर्तन, काश यूपीएससी अपना हिंदी ट्रांसलेशन सुधार ले। तो यहाँ पर क्या है 146 का, नंबर वन डेली एंड रिनल रिदम इन डे लाइट एंड एयर टेम्परेचर, नंबर टू है फ्लो पाथ ऑफ द बोथ एयर एंड वाटर आर टर्न कंटीन्यूअसली इन द साइडवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है द मूवमेंट ऑफ द टाइड्स। ओके, इस क्वेश्चन को भी मैं होल्ड पे रखना चाहूंगी, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 1 और 3 होना चाहिए यानी बी ऑप्शन, पर ठीक है 146 भी मैं बाद में डिस्कशन करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट को स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन किसने कहा था, इसका आंसर है सी, एफ जी हर्चिंस ने, ठीक है, तो 147 का आंसर सी हो जाएगा। फिर आगे स्टेटमेंट के क्वेश्चन, एनडीए के पेपर में हर साल 3 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, ए कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है, बी कह रहा है कि ए सही है, सेकंड सही है, और ए जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, सी कह रहा है कि सेकंड गलत है, ए सही है, और डी कह रहा है कि ए गलत है और सेकंड सही है। तो देखते हैं क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन कह रहा है अबुल फजल शेप्ड रिप्रेजेंटेड एंड आर्टिकुलेटेड द आइडिया एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ द अकबर, अबुल फजल 9 रत्नों में से 9 ज्वेल्स में से अकबर में थे, पहला ऑप्शन स्टेटमेंट सही है। दूसरा है द क्वालिटीज ऑफ अबुल फजल इम्प्रेस्ड अकबर हु फाउंड द फॉर्मर सिटीवल एज द एडवाइजर एंड स्पोक पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज, ये पॉलिसीज मेकिंग में उनके 9 रत्नों में से थे। स्टेटमेंट 2 जो है वो एक का राइट ऑप्शन है, ठीक है, अबुल फजल को केवल राइटर के फॉर्म में मत जानिए, बीरबल को राइटर के फॉर्म में, मतलब उनके मंत्री के फॉर्म में, या फिर वहाँ पे कोई पेंटर है, ये सब बड़े योद्धा थे, ये सब राजनीतिक रूप से सलाहकार थे, तो सबकी स्पेसिफिसिटी काम भी देखिए, तो ए और बी दोनों सही है, और बी जो है ए का राइट स्टेटमेंट है, तो 148 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टेटमेंट वन कह रहा है द किसान मैनिफेस्टो अडॉप्टेड बाय द ऑल इंडिया किसान सभा इन अगस्त 1936 कंटेन्ड रेडिकल डिमांड्स, किसान सभा कई बार पूछी गई है, इसके जो फाउंडर हैं ये आपका जो फॉर्मर मूवमेंट होता है, रिवोल्ट होता है, उससे रिलेटेड है, सहजानंद जी हैं, ठीक है, इन्होंने 1936 में फाउंड किया था इसे, तो स्टेटमेंट वन जो है ये सही है। स्टेटमेंट टू जो कह रहा है द ऑल इंडिया किसान सभा वॉज अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस एंड मेंटेन्ड क्लोज रिलेशनशिप विद द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, सेकेंड भी सही है। ओके, क्योंकि INC लखनऊ सेशन में ही जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसी में ही ये किसान सभा को क्या किया गया था, फॉर्म्ड किया गया था 1936 में, लेकिन एक दूसरे के राइट ऑप्शंस ये नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे 149 का बी ऑप्शन मान के चल रही हूँ, अब देखते हैं कि UPSC क्या इसका राइट आंसर देता है, लेकिन 149 में मैं 90% बी ऑप्शन को मान करके चलूंगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन 150, द ब्रिटिश रूल इंडिया थ्रू अ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी हेडेड बाय द इंडियन सिविल सर्विस हूज मेंबर वर रिक्रूटेड थ्रू मेरिट बेस्ड एंड ओपन कॉम्पिटिशन, सही है, जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने जो ब्यूरोक्रेट्स यानी कि यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज जो अभी IAS के एग्जामिनेशन होते हैं मेरिट बेस्ड पे किए थे, हाँ किए थे, तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाएगा।
स्टेटमेंट नंबर टू जो है वो कह रहा है द इंडियन सिविल सर्विस वॉज बेस्ड ऑन द होल हार्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियंस. ओके, तो यहाँ पे केवल इंडियंस का ही नहीं ब्रिटिशर्स का भी पार्टिसिपेशन था. इसका मैं ऑप्शन नंबर सी मान करके चलूंगी. स्टेटमेंट नंबर ए सही है, स्टेटमेंट नंबर बी को अप्रोक्सीमेटली सही है, लेकिन पार्शियली सही को सही मानना सही नहीं है. अब देखते हैं यूपीएससी के आंसर मानते हैं 90% में 150 नंबर ऑप्शन में सी ऑप्शन को कंसिडर करना चाहूंगी. ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन जो कि सॉल्व नहीं हुए हैं उनको आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा. बाकी आंसर की हमने आपके साथ डिस्कशन की, कोशिश की है 100% इसमें ट्रांसपेरेंसी और राइट आंसर्स रखने की सर्च करके और जितने डाटास थे, और इससे आप अपने आंसर्स मिलाइए. जो भी क्वेश्चंस आपने पेपर अटेम्प्ट किया है एसएसबी के इंटरव्यूज़ की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अगले अटेम्प्ट के लिए भी तैयारी कीजिए, और इस अटेम्प्ट में अभी इंटरव्यूज़ के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू.